ये कहानी एक मासूम बच्चे की है, जिस बच्चे का जीवन बचपन से ही बहुत कठिनाइयों से भरा था। इसलिए यह बच्चा अपना जीवन यापन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करता है। इसलिए आज की यह कहानी इस बच्चे के जीवन पर आधारित है। साहब, खाने में क्या लोगे? ए सुन, चल दारू लेके आ। साहब, यहाँ दारू नहीं मिलती, यहाँ खाना मिलता है। खाने में क्या चाहिए वो बताइए। अच्छा तो चल, चिकन तंदूरी, बोले तो मुर्गा मछली, ये सब लेके आ फ्राई करके, और चल निकल यहाँ से। ये साहब बोला ना, यहाँ शुद्ध खाना मिलता है, ये सब नहीं मिलता है। ये सब खाना है तो बाहर जाइए। ऐसा यहाँ मत बैठिए, ये काली की टेबल है, काली ने देख लिया तो खून खराबे पे उतर आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत बैठिए। छोटू, शायद तुम्हें पता नहीं ये कौन है। ये मेरा दोस्त शंकर है, बदमाशों का बाप है। जब इसको गुस्सा आता है ना तो इसकी फट जाती है। अबे। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब सबकी फट जाती है। ये काली भाई, देखो यार हमारे टेबल पे कौन बैठा है। अबे ओए, तुझे पता नहीं हमारा टेबल है? नहीं। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। हट रे। ए डेढ़ फुटिए, ये सब तूने क्यों फेंका रे? साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। ए शंकर, देखना यार, वो गुंडे उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो तू देख क्या रहा है? जाके बचाना उसे। तो तू नहीं आ रहा है? नहीं। तुझे क्या लगता, तू नहीं आएगा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा? साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। अरे ओ भैया, क्यों मार रहे हो उस बच्चे को? क्या बिगाड़ा है उसने? तू कौन है बे? मैं सबका सरदार। जा रे, इसकी हीरोपंती उतार। जाओ जाओ रे। रुक जाओ। अबे ए शंकर, ए शंकर देखना यार, ए शंकर। सुन, शरीफ पर शराफत है, बदमाशी में तो हम भी कम नहीं। इन दोनों की यारी कोई तोड़ दे, इतना किसी के पाप में दम नहीं। इधर आ। यहाँ क्या करता है? यहाँ खाना मिलता है इसलिए काम करता हूँ। माँ का नाम? मालूम नहीं। बाप का नाम? मालूम नहीं। तेरा नाम? सभी लोग टाइम पास करके बुलाते हैं। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है।